जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन की वाइफ के पोस्ट ने सभी को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि खुद शिखर धवन की वाइफ आयशा मुखर्जी पूरी तरीके से टूट गई। ये बात दोस्तों हम नहीं बल्कि उनका पोस्ट ही चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जो कुछ भी अपनी उस पोस्ट में उन्होंने बातें लिखी वो पढ़कर हर कोई दंग था कि आखिर कैसे दोस्तों गब्बर पाजी का तलाक हो सकता है, इतनी सलामत जोड़ी ये कैसे अलग हो सकती है। लेकिन टूट कैसे गई आयशा मुखर्जी वो आपको बताएं दोस्तों, तो इनका पोस्ट अगर आप दो तीन बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसा छुपा हुआ दर्द नजर आएगा जो एक महिला ने सहा है। पहला दर्द तो यह था दोस्तों कि जब ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन के साथ शादी की थी, उनके साथ दो बच्चे थे, तो आप सोच सकते हैं कि परिवार कितना खुश सलामत रहा होगा। लेकिन अचानक से वो जोड़ी भी टूट गई, तो पहला तलाक कितना कुछ सहन करना पड़ता है इंसान को, महिलाओं को खासकर। क्या होगा ज़माने में, क्या लोग बोलेंगे, कई सवाल उठते हैं। उसके बाद दोस्तों बिजनेसमैन भी काफ़ी नामी गिरामी था वो, लेकिन जब शिखर धवन के साथ दोस्तों अब तलाक की खबरें सामने आईं तो आप जानते ही हैं कि गब्बर पाजी की फ़ैन फॉलोइंग भारत देश में कितनी है, तलाक शब्द का मतलब भारत देश में क्या होता है, और किसी महिला जो पहले ही 10 साल की उम्र बड़ी हो उसके बावजूद भी शिखर धवन ने उनका हाथ थामा और वो रिश्ता टूट जाता है, तो ये सारी बातें भी अपने आप में ही कई सवाल खड़ी करती हैं। कई लोग तो यही ताना देंगे कि पहले ही दोस्तों ये बात रिश्ते को लेकर हमने सवाल खड़े किए थे कि ये जोड़ी टिक ही नहीं सकती, 10 साल उम्र में बड़ी है। तो कई हद तक दोस्तों यहाँ शिखर धवन को ना सही लेकिन उनकी वाइफ को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, और उन्होंने भी दोस्तों अपने इस बयान के जरिए जो पोस्ट किया था वो की बात अपनी कहने की कोशिश की थी कि दो बारी तलाक क्या कुछ सहना पड़ा, ये दर्द शायद कोई ना समझ सके। और आप दोस्तों धवन पाजी की फ़ैन फॉलोइंग को तो जानते ही हैं, मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से आयशा मुखर्जी को जो धवन के नाम से उनका सरनेम का एक इंस्टा अकाउंट था वो भी डिलीट करना पड़ गया, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दुखों का सामना करा है। लेकिन दुख किस चीज़ का है, किस चीज़ का कारण है जिसकी वजह से ये रिश्ता अलग हुआ, ये अभी तक सामने नहीं आया है। चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब करके, ताकि आप जब भी हमारे सामने जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।